दोस्तों आप सभी YouTube क्रिएटर्स के लिए एक गुड न्यूज है और जो कि मैं आपको बताने वाला हूं और जिसको सुनने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो देर किस बात की, चलो जानते हैं कि आखिर वो गुड न्यूज है तो है क्या। तो दोस्तों वो गुड न्यूज ये है कि अब आप लोग 11 लैब से बिल्कुल फ्री में AI वॉइस जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब आप लोग 11 लैब से बिल्कुल फ्री में AI वॉइस जनरेट कर सकते हो बिना सब्सक्रिप्शन लिए। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं एंड वॉइस को जनरेट करते हैं। तो वैसे तो सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, लेकिन 11 लैब में कुछ चेंजेस भी आए हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में, एंड गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है 11 लैब। ओके, एंड सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओके, फिर आपको गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से इस वेबसाइट को लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे साइन अप विद गूगल का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितना भी जीमेल क्रिएट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे कोई सा भी एक जीमेल को सेलेक्ट करके इस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो लाइक दिस में इस जीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर आपका ये जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाएगा। ओके, और दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग 11 लैब से बिल्कुल फ्री में AI वॉइस जनरेट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग कर देना है। ठीक है, तो मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट को कॉपी कर रखा है, तो उसी स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा स्क्रिप्ट है वो हिंदी में। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी दे सकते हो या फिर कोई भी कंट्री का लैंग्वेज दे सकते हो। ओके, फिर आपको नीचे में एक जनरेट स्पीच का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, लेकिन इस पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 11 लैब में कुछ चेंजेस भी आए जो कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि पहले इसमें जो वॉइस था वो पहले लाइन बाय लाइन आता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो वॉइस का ऑप्शन है वो नीचे में दे रहा है। ठीक है, एंड इस पर आप लोग जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वॉइस सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कई सारे क्रिएटर्स को ये नहीं पता है कि 11 लैब में कौन सी वॉइस अच्छी है और कौन सी वॉइस मतलब कि अच्छी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लेना कि 11 लैब में कौन सी वॉइस अच्छी होती है। ठीक है, मेल या फिर फीमेल के लिए। ओके, तो आप लोग दूसरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे हिंदी सर्च करोगे या चाहे इंडिया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हिंदी। ओके, तो आपको हिंदी के रिलेटेड नीचे में कई सारे वॉइस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई सा भी एक वॉइस को चूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग आगे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वॉइस को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर आपको ऐड टू माई वॉइस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपका ये जो वॉइस है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो जो मैंने वॉइस को ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वॉइस का जो नेम है राजू है। ओके, अब मैं सिंपली इस जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये जो मेरा वॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा वॉइस है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि अब आप लोग यहाँ पे वॉइस जनरेट करके वॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने प्लेट में। सिंपली आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो फाइल है वो डाउनलोडिंग हो जाएगा। ओके, आप लोग प्लेट में चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों यही था वो गुड न्यूज़ जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करना जो लोग अपने वीडियो में AI वॉइस का उपयोग करते हो, कि ताकि उन्हें पता चल पाए कि 11 लैब वापस आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग वहाँ पे वॉइस को बिल्कुल फ्री में जनरेट कर सकते हो एंड वॉइस को डाउनलोडिंग भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।